हाँ प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। तीन एप्लीकेशंस हैं डायमेंशंस की। नंबर वन, टू चेक द एक्यूरेसी और करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन। नॉर्मली एक इक्वेशन दी होती है एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये इक्वेशन दे दी और कहा कि चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन डायमेंशनली। ये एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन है। इसमें एफ जो है वो फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है, एम मास है जिस पर फोर्स एफ लग रहा है, यू इनिशियल वेलोसिटी है और वी फाइनल वेलोसिटी है। अब ये जो है चेकिंग, इट इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा आर सेम इन ईच एंड एवरी टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। आइए डायमेंशंस लिखते हैं और देखते हैं कि क्या ये सेम आती हैं कि नहीं। एफ और मल्टीप्लाइड विद एस, इसकी डायमेंशंस। एफ की डायमेंशंस हमने लिखे थे न्यूटन्स सेकेंड लॉ से, मास इनटू एक्सेलरेशन। एम की डायमेंशंस कैपिटल एम, एक्सेलरेशन एल टी रेज टू पावर माइनस टू, ये तो हो गए फोर्स की डायमेंशंस। आगे एस, लेंथ है एल, एल पावर वन, तो ये कितना बन गया एम। यहां से एल और एल पावर्स कितनी हो गई, एल टू टी रेज टू पावर माइनस टू, करेक्ट। ये डायमेंशंस हो गए इस टर्म की। अब चलिए आगे चलते हैं, हाफ एम वी स्क्वेयर। जब हम स्क्वेयर ब्रैकेट लगाते हैं तो मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डायमेंशंस ऑफ दिस क्वांटिटी। हाफ की कोई डायमेंशंस नहीं, एम कैपिटल एम, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी एल टी माइनस वन, इसका स्क्वेयर। तो आपके पास कितना आ गया एम एल टू टी माइनस टू। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, हाफ एम यू स्क्वायर, यू इज इनिशियल वेलोसिटी। हाफ की कोई डायमेंशंस नहीं, स्मॉल एम डायमेंशंस कैपिटल एम, वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो या फाइनल सेम डायमेंशंस, इसका स्क्वायर एम एल टू टी माइनस टू। तो आप देख रहे हो कि डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर सेम इन ऑल द टर्म्स, सो इट मींस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। और अगर ये सेम ना आए तब आप क्या लिखेंगे, द इक्वेशन इज इनकरेक्ट डायमेंशनली। अब आपने क्या करना है कि आपकी बुक में जितनी भी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं इस तरह की, वो सॉल्व करनी है। थैंक यू।